हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो टुडे आई एम हियर विद द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ साइंस पी एस टेट जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ठीक है जी तो ये कंटेंट वाइज जैसे कि हम रिवाइज कर रहे थे अब तक हमारे थ्री टू फाइव टॉपिक्स हो चुके हैं और ये है नेक्स्ट टॉपिक जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें से क्वेश्चन आते हैं ठीक है जी तो पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं सेपरेशन का मतलब आप सबको पता है यू मस्ट हैव सीन दैट क्लीन या सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे कि आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद जब आप चाय गिलास में डालते हो आप क्या करते हो उसमें से जो चाय बत्ती होती है वो अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है ठीक है जी मतलब लिक्विड अलग और सॉलिड अलग मतलब आपने सेपरेट कर लिया आप चाय पत्ती थोड़ी आप चाय के साथ लोगे ठीक है इसको बोलते हैं सेपरेशन करना जैसे कि आप राइस बनाते हो ठीक है जी घर में चावल बनाते हो तो उसको बनाने से पहले आप क्या करते हो उसको पानी में डालते हो ठीक है जी ताकि जो उसमें गंदगी है वो क्या है सेपरेट आउट हो जाए तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना कॉमन से जो प्रोसेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं मतलब अच्छी चीज गंदगी निकालते हैं किसी चीज़ में से आप ऐसे कर सकते हो जब भी किसी चीज़ में से आप गंदगी निकाल देते हो ना तो उसको बोलते हैं सेपरेट करना बट इसको सेपरेट करने के बहुत सारे मैथड्स होते हैं जिन मैथड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे और साइड बाय साइड एक एक मैथड अच्छे से रिवाइज कर लेना बिकॉज तो इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं ठीक है जी तो सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग वो तो सिंपल सी चीज़ है हम घरों में भी करते हैं जब हम दाल बना बनाते हैं तो इसमें से क्या करते हैं कंकर होते हैं कंकर को हम क्या हाथ से निकालते हैं ना उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग मतलब हाथों से निकालना उस गंदगी को जैसे कि आप कंकर हो गए उसको अलग करते हो डस्ट हो गया हस्क हो गया ग्रेन से या चावल में से जो गंदगी होती है उसको आप हाथ से निकाल देते हो क्योंकि ये तो, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ठीक है थीके? इसका एडवांटेज इसका फ़ायदा क्या होता है इट इज़ यूज टू रिमूव बिगर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फ्रॉम द स्मॉलर ग्रेन की मतलब जो दाल होती है ना आपकी तो उसमें से जो बड़े बड़े पार्टिकल जो जो बड़े बड़े कंकर होते हैं ना उसको निकालने में आपकी मदद हो जाती है, है हैंड से और इसके नुकसान क्या है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो तो है ही है कि देखो जब आप दाल बनाना चाहते हो तो उसमें कंकर तो निकालने पड़ेंगे बट एक एक को ध्यान से देखना पड़ेगा वरना तो आपकी दाल में कंकर आ जाएगा ठीक है तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है ये चीज इट कैन नॉट बी यूज द डस्ट एंड द स्टोन पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज ठीक है कि अगर कई बार क्या होता है जो कंकर होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं कई बार नहीं दिखते वो दाल के साथ ही बन जाते हैं तो ये होता है उसको थोड़ा सा नुकसान ठीक है जी पता ही यार किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो साथ में होता ही होता है फिर आते हैं थ्रेशिंग की तरफ थ्रेशिंग क्या होता है स्टॉक्स ऑफ ग्रेन आर ड्राइड इन द सन जो आपको पता है जो दाल होती है ग्रेन होते हैं आपके उनको क्या सन में सुखाते हैं हम ठीक है देन वंस दे आर ड्राइड जब एक बार वो सूख जाए तो उनको क्या करते हैं हम बीट करते हैं बीट करना मतलब उसका जैसे चूरा करना किसी चीज़ का छोटे छोटे पार्टिकल्स करने बीट करना उसको कहते हैं from uh, ताकि वो स्टॉक से अलग हो जाए आ, क, कई बार हम क्या करते हैं बुल्लक्स या मशीन्स हम, मशीन हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को ग्राइंड करने में ग्राइंड कहते हैं ना जिसको बीट भी आप आ, अगर नहीं समझ आ रहा तो ग्राइंड वर्ड यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग ठीक है फिर आता है नेक्स्ट इसको बोलते हैं विनोइंग विनोइंग क्या होता है ये मतलब सिंपल सी चीज़ होती है जब आप क्या करते हो हैवी ग्रेन पार्टिकल्स को लाइट डस्ट पार्टिकल से अलग करते हो जैसे कि वो कहते हैं ना छज देखा होगा आपने छज जो होता है उसमें क्या होता है आप दाल रखते हो तो वो क्या करते हो आप छानते रहते हो तो उसमें से क्या होता है जो डस्ट होती है उड़ उड़ के खुद ही मतलब अलग हो जाती है ठीक है उसको बोलते हैं छानना कहते हैं जब इस कुछ चीज़ को द मिक्सचर कंटेनिंग द ग्रीन आन द डस्ट इज हेल्ड हाई वो कहते हैं ना छज लेके आप उसको बताया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली एट शोल्डर और चेस्ट हाइट थोड़ी सी हाइट पे ले जाके उस छाजे से आप क्या करते हो उस मिक्सचर को अलग करते हो सेपरेट करते हो और डस्ट अलग हो जाती है और ग्रीन जेल पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं ठीक है इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड गिवन अ जेंटल मूवमेंट एज लाइटर पार्टिकल लाइक हर्ज फॉल आउट इसको थ्रेशिंग बोलते हैं ठीक है इस सारे प्रोसेस को जब डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं जब आप हाइट पर ले जाके ना उस चीज़ को छानते हो तो उसे क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं और उसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं फिर आता है सीविंग सीविंग आप सबको पता होगा जैसे आपकी मम्मी है खाना बनाने से पहले वो क्या करते हैं आटे को छानते हैं राइट छाननी छाननी कहते हैं जिसको हम पंजाबी में उसको यूज़ करके क्या करते हैं आटे को छानते हैं सीव का मतलब ही होता है फिल्टर आउट डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना कॉमनली यूज़ कहाँ होता है क्लीनिंग द फ्लोर आटा छानने में ठीक है तो उसमें क्या होती हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं वो तो होल से निकल जाते हैं जबकि जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज़ है जो गंदगी होती है आटे में वो ऊपर रह जाती है उस छाननी में ठीक है जी फिर आते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से कर लेना सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आप सबको पता है जैसे आफ्टर ऑल द प्रोसेस यूज जब आप देर वुड बी स्टिल सम पार्टिकल्स लेफ्ट इन द राइस वी बाय कई बार क्या होता है कि सारे प्रोसेसेस तो आपने देख लिए कई बार क्या होता है कि जो राइस आप लेते हो खरीदते हो उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल जो रह जाते हैं इन केसेस में हम क्या करते हैं हम राइस को धोते हैं ठीक है जी चावल बनाते हैं घर में तो उसको बनाने से पहले क्या करते हैं धोते हैं बिफोर कुकिंग द राइस हैवी हैंड शेटल्स डाउन तो चावल होते हैं वो तो भारे होते हैं इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं डस्ट होती है वो क्या होती है ऊपर आके बैठ जाती है पानी की आपने देखा ही होगा आप जब घर पे चावल वगैरह बनाते हो आप चावल डालते हो तो वो चावल है भारी होते हैं जिस वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं और जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है ठीक है जी समझ आ गया इतनी सी बात तो उसको हम क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं ठीक है याद रखना यहाँ पे लिखना रह गया इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं जब हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं ठीक है जी फिर डिकेंटेशन क्या होती है द लाइटर डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट वो जो लाइट पार्टिकल्स है वो तो ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं द वॉटर अलॉन्ग विद डस्ट particles इज discarded. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द लाइट डस्ट पार्टिकल्स उसको डी कंटेशन और फिर हम क्या करते हैं उसी पानी को उस गंदगी के साथ निकाल देते हैं और हमारे पास सिर्फ चावल बच जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी सेडिमेंटेशन होता है जब भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और डस्ट पार्टिकल्स ऊपर आते हैं डी क्या होता है पानी के साथ साथ हम गंदगी भी निकाल देते हैं और सिर्फ चावल बच जाते हैं उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं ये प्रोसेस में से बहुत बाहर क्वेश्चन आया हुआ है फिर और कौन से प्रोसेस होते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर को भी आप ऐसे ही सेपरेट कर सकते हो ठीक है जी वाटर लाइटर होता है ऑयल से तो सेट सैडाउन द ऑयल इज देन सेपरेटेड आपको सबको पता है जब पानी में आप तेल डालते हो तो वो तेल है वो ऊपर ही रह जाता है ठीक है जी जबकि जो पानी होता है वो तो चलो नीचे होता है जो ऑयल होता है वो ऊपर हो जाता है ठीक है जी उसके बाद आते हैं फ़िल्ट्रेशन ये तो आप सबको पता है फ़िल्टर्स आपके घर में लगे हुए हैं फिल्ट्रेशन करनी चाय आप बनाते हो तो उसमें क्या है उसमें भी तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उस, वो मतलब आप चाय होती है उसको फ़िल्टर करके हैवी पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं ठीक है जी चाय को फ़िल्टर करना या वैसे आप पानी पीते हो जो फ़िल्टर्स का वाटर होता है वो भी फिल्ट्रेट होकर ही आता है गंदगी पीछे रह जाती है और आपको अच्छा अच्छा पानी मिल जाता है प्योर वाटर ठीक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेज़ आर ऑल्सो फिल्टर लाइक दिस फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेज होते हैं जैसे आप जूस बनाते तो मौसमी का जूस हो गया पापिया का जूस हो गया तो क्या होता है जो उसका मतलब जो बचा कुचा होता है वो तो छाननी के ऊपर रह जाता है बाकी चीजें क्या होती है फिल्टर होके बाहर आ जाती है जो आपको जूस मिलता है ठीक है कई बार क्या होता है फ़िल्टर पेपर भी यूज़ किया जाता है ये आप सबको पता है और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि कौन सी चीज़ होती है फिल्टर करने के लिए यूज़ की जाती है तो याद रखना फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है फिर आ जाता है वेपोरेशन वेपोरेशन आप सबको पता है आप जैसे पानी है पानी बॉइल करते हो ठीक है जी पानी है बॉइलिंग के लिए रख दिया और जब वो वाटर जो लिक्विड है वो भाफ में बनना शुरू हो जाता है वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं वेपोरेशन कहते हैं और यही प्रोसेस है जिससे क्या होता है जो नमक होता है सी वाटर में वो सेपरेट हो जाता है नमक ठीक है जी फिर आते हैं सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर आप सबको पता है सॉल्ट होता है जो फटाफट मिक्स हो जाता है ठीक है जी जो सैंड होता है रेता होता है वो थोड़ी मिक्स करता है पानी से ठीक है जी दो अब हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना जो चीज़ें मिक्स कर जाती हैं वो तो सॉलीबल होती हैं जो जो मिक्स नहीं करती वो नॉन सॉलीबल हो जाती हैं फिर उसके बाद क्या है हम एक हमने क्या किया मिक्सचर लिया सैंड और सॉल्ट का मिक्स कर दिया हमने सैंड और सॉल्ट को वाटर में जो सॉल्ट है वो तो घुल गया क्योंकि सॉल्युबल था नमक तो घुल जाता है बट जो रेता है सैंड है वो तो नहीं घुलेगा और सम टाइम कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा ठीक है दस द वाटर मिक्सचर विच कंटेन सॉल्ट आर नॉन नाउ पोर्ड आउट और वो जो नमक वाला पानी था वो तो निकल गया जबकि जो रेता है वो तो नीचे बैठ गया ठीक है दिस इज देन हीट द वाटर ट इट वेपोराइज सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बाउल ठी है जी तो ये सब चीज़ें करनी है छोटी छोटी चीज़ें थी वेपोरेशन सॉल्ट सैंड ये सब चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी फिर आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन आप सबको पता है जब आप क्या करते हो आप कोई सल्यूट डालते हो किसी लिक्विड में ठीक है उसको तो सल्यूट बोलते हैं जब कोई चीज़ जैसे नमक है वो नमक आपका सल्यूट हो गया ठीक है जी और जिसमें घोलते हो मतलब पानी में घोला तो पानी क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया तो वो क्या होता है नमक और पानी घुलना शुरू हो जाते हैं जब मोर एंड मोर सल्यूट इज़ एडेड जब आप नमक को बार बार घोलते रहोगे थोड़ा और नमक डाला थोड़ा और नमक डाला तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो बंद हो जाएगा घुलना क्योंकि बॉटल में भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कई बार क्या होता है किसी चीज़ को बार बार डालते रहोगे वो एक बार को आके रुक जाएगा द तो सल्यूड रिमेंस अनडिजोल्व इसका मतलब क्या होता है वो कौन से पॉइंट पर पहुंच गया सैचुरेटेड पॉइंट और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से पॉइंट पर आके जो चीज़ है वो घुलना बंद हो जाती है सल्यूड कहाँ घुलना बंद हो जाता है सॉल्वेंट में सैचुरेटिंग पॉइंट में अब इससे ज़्यादा वो घुल नहीं सकता सैचुरेशन पॉइंट डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना टेम्परेचर पे प्रेशर पे और नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट डिपेंड करता है एंड सॉल्वेंट कैसा है डिपेंड करता है प्रेशर कौन सा था और डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या था उस टाइम ठीक है जी और ये आ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच